हेलो स्टूडेंट्स क्लास एलेवंथ अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी वन तक सॉल्व कर लिया है आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू से तो ट्वेंटी वन नंबर तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन था आपका ट्वेंटी वन नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है अब ट्वेंटी टू से आपका स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो हम यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे एस बी पब्लिकेशन के बुक से और जो इसमें आपका क्वेश्चन गिवन है वो 22 से 29 तक गिवन है और ये आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होगा और फिर इसके बाद हम आपको डेबिट क्रेडिट का रूल बताएंगे और फिर हम आपका जर्नल एंट्री किस तरीके से बनता है वो हम आपको बताएंगे तो प्रोसेस आपको याद ही होगा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ फिर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ फिर इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल बना के फिर उसे हम क्लासीफाई बनाए करेंगे लेजर बना करके फिर हम उसे समराइज करेंगे आपका ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें हम और फिर हम उसे एनालाइज एंड इंटरप्रेट करेंगे एंड देन हम उसे कम्युनिकेट कर देंगे तो ये आपका एक कम्प्लीट प्रोसेस था तो फिलहाल हम अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन में हैं इसके बाद हम आपका डेबिट क्रेडिट का रूल बताएंगे ये तो हम आपका जो है अकाउंटिंग क्वेश्चन वो प्लस माइनस के फॉर्म में है लेकिन यही ट्रांजेक्शन को आगे अब हम प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं करेंगे क्योंकि आप क्लास टेंथ में प्लस माइनस के फॉर्म में सारा चीज़ सीखे थे इसीलिए अभी आपको ये ट्रांजेक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में सिखा रहे हैं हम लेकिन जब हम जर्नरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन को अब हम प्लस माइनस नहीं करेंगे हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे तो सबसे पहले हम आपको रूल बताएंगे चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसमें हो गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम कर लेंगे हमारा सारा कवर हो जाएगा अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे हम तो वो आपका कही कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन शीट इक्वेशन ही कहते हैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है बैलेंस शीट इक्वेशन इसीलिए ये आपको समझना ज़रूरी है बैलेंस शीट भी हम इस पर प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का कहता है प्रूफ that accounting question is satisfied in the following transactions of Sanjay Gupta. Sanjay Gupta है आपका यहाँ पर उनका कुछ transaction ट्रा, दिया हुआ है आपका वो क्या accounting question को satisfy करता है या नहीं करता है वो यहाँ पर कह रहा है आपको करने के लिए तो सबसे पहले आपका started business with cash ये देखिए पहला transaction है आपका uh, started business with cash transaction आप लोग यहाँ पर लिखोगे started business with cash रुपीज़ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड से बिज़नेस स्टार्ट किया है चलिए अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिजनेस में कैश इंक्रीज़ किया प्लस कर लेंगे हम टेन थाउजेंड कैश और बिजनेस मैन ने लगाया संजय गुप्ता ने पैसा लगाया है तो आउटसाइड लाइब्रेटरी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुआ कहीं से बाहर से लोन वगैरह लेकर के बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो लाइब्रेरीज रहेगा आपका जीरो और कैपिटल हो जाएगा आपका टेन थाउजेंड ठीक है आपका बिज़नेस में कैश बढ़ गया टेन थाउजेंड से और बिज़नेस का कैपिटल भी बढ़ गया टेन थाउजेंड से अब कैसे हुआ ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार कर ली है इसलिए बार बार बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बिज़नेस में कैश बढ़ गया और ऑनर का पैसा भी बिज़नेस में बढ़ गया कैपिटल भी बढ़ गया टेन थाउजेंड से ठीक है अब न्यू इक्वेशन क्या होगा ये तो ट्रांजेक्शन आपका ऐसा है कि जर्नल एंट्री में भी ये ट्रांजेक्शन आपका बार बार आएगा क्योंकि कोई भी बिज़नेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होगा जब तो उसमें कुछ ना कुछ आपका कैश या तो स्टॉक या तो कोई एसेट लेकर के ऑनर आएगा ही आएगा बिना ऑनर के तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा ऑनर जब तक कोई पूंजी नहीं लगाएगा तब तक बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा तो ये ट्रांजेक्शन आपका एकदम कॉमन है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हर बार ये ट्रांजेक्शन आएगा तो ऐसे ही ये आपको याद हो जाएगा दूसरा नंबर क्या है दूसरा ट्रांजेक्शन जो है पेड रेंट इन एडवांस थ्री हंड्रेड रुपीज तो यहाँ पर पेड रेंट जो है एडवांस में आपने रेंट पेड कर दिया है तीन सौ का ठीक है सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं न्यू क्वेश्चन मतलब अब बिजनेस का जो है बिजनेस में दस हजार कैश है आउटसाइड लाइबिलिटी ज़ीरो है और कैपिटल जो है वो टेन थाउजेंड है ट्रांजेक्शन नंबर टू कहता है कि रेंट जो है वो एडवांस में पे किया गया है तीन सौ रुपये का ठीक है जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जो कॉलेज में पढ़ते हो या किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप लोग क्या करते हो कि कुछ पैसा जो होता है ना वो एडवांस के तौर पे आप देते हो जैसे मान लो कि आप अभी कौन सा मान लो अक्टूबर मंथ चल रहा है और अक्टूबर में आप रह रहे हो और आपने मकान मालिक को मान लो नवंबर का भी दे दिया आप नवंबर में आपने रहा नहीं है लेकिन नवंबर का भी आपने मान लो जो रेंट है वो एडवांस में दे दिया मकान मालिक का जो रेंट है वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना देते हो तो मान लो कि जो रेंट है वो एक हज़ार रुपये का आप रेंट देते हो और आपने अक्टूबर में नवंबर का दे दिया रेंट और नवंबर में आपने अभी रहा नहीं है क्योंकि अब अभी अक्टूबर ही चल रहा है तो अक्टूबर के साथ साथ नवंबर का भी आपने रेंट पे कर दिया तो अक्टूबर में आपने नवंबर का एडवांस में पे कर दिया वन थाउजेंड रुपीज़ तो बताइए कि बिज़नेस भी जो है यहाँ पर यहाँ पे बिज़नेस भी जो चल रहा है मान लो ये बिज़नेस रेंट पे है मान लो क्या रेंट तभी पे कर रहा होगा जब बिज़नेस रेंट पे चल रहा होगा तो बिज़नेस ने जो है जिस बिल्डिंग में बिज़नेस चल रहा है वो अपने लैंड को क्या पेमेंट किया यहाँ पर आ, रेंट पे किया एडवांस के तौर पे तो बताइए कि अगर आप एडवांस रेट देते हो तो पॉकेट से पैसा निकलता है या नहीं निकलता है निकल जाता है तो उसी तरीके से बिज़नेस भी अगर एडवांस रेट पे रेंट पे करेगा तो बिज़नेस से भी पैसा जाएगा कि नहीं कैश का कैश का आउटफ्लो होगा या नहीं तो हाँ होगा तो बताइए कैश तो माइनस हम करेंगे ही ट्रांजेक्शन आप यहाँ लिख लेना कैश तो माइनस करेंगे ही ये बात तो क्लियर है अच्छा जब आपने एडवांस में दे दिया है कोई तो क्या जैसे आप अक्टूबर का नवंबर में मान लो आपने दे दिया है अक्टूबर के समय ही नवंबर का आपने रेंट दे दिया है एडवांस में तो क्या नवंबर में देना पड़ेगा आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा तो नहीं देना पड़ेगा तो एक एसेट आपका क्रिएट हो गया है और कैसा एसेट है तो प्री पेड एक्सपेंस प्री पेड एक्सपेंस कितना हो गया आप देखें क्वेश्चन में कितना अमाउंट देता है उसके हिसाब से हम करेंगे तीन सौ रुपये तो तीन सौ रुपये बिजनेस से चला गया और अब जो है आगे वो आप उस जगह का इस्तेमाल करोगे इस बिल्डिंग में आप अपना काम करोगे बिजनेस करोगे है ना तो ये जो प्री पेड एक्सपेंस जो आपने एडवांस में तीन सौ रुपये का जो रेंट पे किया है ये एसेट है क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ या अगर आपने नेक्स्ट ईयर लिए किया है तो नेक्स्ट ईयर आपको ये रेंट देना नहीं पड़ेगा तो ये एसेट बन गया प्री पेड मतलब पहले ही पेड कर दिया और पेड कर दिया मतलब पैसे खर्च हो गए प्री का मतलब पहले पेड का मतलब आपने कैश पेड कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस यानी आप इसको कह सकते हो प्रीपेड क्या है रेंट रेंट है तो आपने पहले ही पे कर दिया अब आपको पे नहीं करना है इसीलिए वो आपका एसेट बन गया है तो एसेट साइड में हम लिखेंगे 300 प्लस करेंगे तो कैश गया तो कैश तो जाएगा ही जाएगा माइनस कर देंगे लेकिन अब आपको नेक्स्ट मंथ देना नहीं होगा और आपको इस जगह का अब इस्तेमाल करना है रेंट नहीं देना है आपको इस जगह का इस्तेमाल करना है सीखिए प्री पेड रेंट थ्री हंड्रेड रुपीज यहां पर एसेट साइड में प्लस हो जाएगा ठीक है इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर तो आउटसाइड लाइबी जीरो रहेगा और कैपिटल भी जीरो रहेगा न्यू इक्वेशन कैश कितना हो गया प्लस नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज प्री पेड रेंट थ्री हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट वन देना नहीं है एसेट है मेरा uh, यह हो गया जीरो और यह हो गया टेन थाउजेंड ठीक है यह हो गया आपका तो ये प्री पेड आपका जो रेंट है अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको तीन सौ रुपये पे नहीं करना है इसीलिए यह आपका एसेट है ठीक है आगे देखते हैं क्या है चेस गुड्स फॉर कैस फाइव थाउजेंड एंड ऑन क्रेडिट सेवन टू थाउजेंड तो बिजनेस ने जो है गुड्स परचेस किया है बिजनेस ने गुड्स किया फाइव थाउजेंड कैश में परचेस किया है एंड टू थाउजेंड क्रेडिट यानी उधार में परचेस किया है ठीक है बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है पांच हजार रुपए का कैश में परचेस किया है और दो हजार रुपए का उधार में क्रेडिट में परचेस किया है अब बताइए कि बिजनेस में गुड्स आया कितने का चाहे उधार में खरीदा है चाहे कैश में खरीदा लेना देना नहीं है आया कितना सामान बिजनेस में बेचने के लिए सात हजार रुपए का तो स्टॉक यहां पे प्लस करेंगे करंट एसेट होता है स्टॉक एसेट होता है एसेट की कैटेगरी में आता है तो स्टॉक प्लस करेंगे और बताइए स्टॉक कितने से इंक्रीज़ किया बिज़नेस में सेवन थाउजेंड रुपीज़ से दो हज़ार कैश पांच हज़ार कैश और दो हज़ार उधार पे तो सात हज़ार रुपया से यहाँ पर स्टॉक जो है इंक्रीज किया ठीक अच्छा अब बिजनेस ने हैंड टू हैंड कैश पेमेंट कर दिया जिससे भी परचेस किया हो हैंड टू हैंड कैश पेमेंट कर दिया तो बिज़नेस से पाँच हज़ार रुपये चला गया तो पाँच हज़ार रुपये कैश से हम माइनस कर देंगे ठीक है अच्छा इसका प्री पेडेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जीरो रहेगा अब ये दो हजार का कर क्या करेंगे नियर फ्यूचर में बिजनेस को ये दो हजार रुपये इस बंदे को यानी जो सामने है वो लेने के लिए बैठा हुआ है ये लेनदार है यानी बिजनेस को दो हजार रुपये चुकाना होगा किसे तो क्रेडिटर्स को है. है ना बिजनेस को क्या चुकाना होगा क्रेडिटर्स को चुकाना होगा एक से ज्यादा हो सकता है इसलिए हम क्रेडिटर्स लिखते हैं तो दो हज़ार रुपये यहाँ पर चुकाना होगा बिजनेस के ऊपर एक लाइब्रेटी क्रिएट हो रहा है और कैसा लाइब्रेरी क्रिएट हो रहा है आउटसाइड लाइब्रेरी क्रिएट हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे आउटसाइड लाइब्रेरीज में या सिर्फ लाइब्रेरीज हम इसको लिखते हैं अभी वो लिख देंगे कितना प्लस कर देंगे टू थाउजेंड रुपीज़ प्लस कर देंगे यहाँ पे आउटसाइड लाइब्रेरी दो हज़ार का क्रिएट हो गया ठीक है और इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई असर नहीं होगा इसलिए इसको हम जीरो लिखते हैं अब हम देखते हैं कि दो हज़ार रुपये इज़ इक्वलिटी के उधर भी आना चाहिए इधर भी आना चाहिए आ रहा है क्या प्लस में सात हजार और माइनस में पाँच हज़ार दो हज़ार प्लस है एसेट साइड में अब इज इक्वल टू के उस साइड में देखते हैं आपका प्लस दो हज़ार तो यहां पे हो गया और उधर जीरो तो इज इक्वल टू के इस साइड भी दो हज़ार और इस साइड भी दो हजार पर यानी इक्वेशन आपका बिल्कुल मैच करेगा इक्वल हो जाएगा यह ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड यहां पर आप लिख लोगे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं न्यू इक्वेशन बताइए अब बिजनेस का अब क्या है पांच हजार रुपया तो कैश चला गया तो कितना बचा चार हजार सात सौ रुपया कैश ओनली बचा बिजनेस के पास यानी चार हजार सात सौ रुपया बचा अब इसका बिजनेस कुछ भी कर सकता है चाहे तो और स्टॉक परचेस कर सकता है अगर सफिशेंट स्टॉक है तो कोई एसेट परचेज कर सकता है या फिर डे टू डे का एक्सपेंसेस अपना ये बीयर कर सकता है तो जो मर्जी सात हज़ार चार हज़ार सात सौ रुपये बिजनेस के पास कैश है तीन सौ रुपये प्रीपेड एक्सपेंस में रेंट है आपके पास प्रीपेड रेंट है नेक्स्ट ईयर आपको देना नहीं है सेवन हंड्रेड जो है सेवन थाउजेंड जो है वो स्टॉक है यानी अनसोल्ड गुड्स जिसको बिजनेस जो है अभी बेच सकता है मैक्सिमम सामान अभी सात हज़ार का बेच सकता है और सात हज़ार का किस पे बेचेगा तो प्रॉफिट में ही बेचेगा ठीक है ये सात हज़ार बाकी आउटसाइड डाइबिटीज़ 2000 है और कैपिटल जो है वो 10000 है तो देखो इधर आ रहा है आपका 10000 एंड 2000 12000 ट्वेल्व थाउजेंड इज़ इक्वल टू क्यू साइड हो रहा है तो इधर भी वही होना चाहिए एक हो गया आपका 7000 और 4000 ये हो गया आपका 11000 और साथ हैं बारह हज़ार सात और 300 तो इधर भी 12000 है उधर भी 12000 है इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है और हर ट्रांजेक्शन के बाद आप इक्वेशन को मैच इस तरीके से करते चलना ताकि बीच में अगर कोई गलती हो जाए तो वो लास्ट में आपको पता चलेगा तो फिर आप सुधारने चलोगे कि कहाँ पर गलती हो गया है इसलिए शुरुआत से ही आप हमेशा इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड एंड साइड दोनों आप इक्वल करते चलोगे ट्रांजेक्शन नंबर फोर क्या है सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट थाउजेंड कास्टिंग फोर थाउजेंड ठीक है सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट थाउजेंड कास्टिंग फोर थाउजेंड तो चार हज़ार का सामान को आठ हजार में बेचा गया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ एट थाउजेंड बोलता है कास्टिंग रुपीज़ फोर थाउजेंड ये कहता है तो कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 8000 में आपने सामान को बेचा है जिसका कॉस्ट कितना था 4000 मैक्सिमम सामान अभी कितना बेचा जा सकता है 7000 का सामान बिजनेस में है और 7000 का सामान बेचा जा सकता है ठीक है अब कैश में है क्रेडिट में है उससे कोई मतलब नहीं है 7000 बिजनेस के पास है सात का स्टॉक है अनसोल्ड गुड्स है अब इसको बेचना है तो हम इसको टोटल सात लिख देते हैं यहाँ पर सेवन अब इसमें से ये कॉस्ट पे है सात हज़ार का सामान अगर पूरा भी बेचा जाएगा तो जाहिर सब बात है कि प्रॉफिट में बेचा जाएगा तो सात हज़ार में से अब कितने का सामान निकल गया चार हज़ार कॉस्ट का सामान निकल गया बिजनेस से है ना और क्या लिखता है किस में बेचा गया है कैश में बेचा गया है यानी हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन हुआ है चार हजार का सामान बेच दिया गया बताइए स्टॉक कम कितने से हो जाएगा चार हज़ार से क्योंकि चार हज़ार का सामान तो निकल गया माइनस फोर थाउजेंड तो तीन हजार का भी सामान और बेचने को बिजनेस के पास बचा है अब चार हजार का सामान को बेचा कितना गया है तो इज इक्वल टू लिखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस है एट थाउजेंड आठ हजार में बेचा गया है साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि आठ हजार में सामान को बेच दिया गया है है ना तो आठ हजार में बेचा गया है तो बताइए कि प्लस प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे ना कॉस्ट में प्रॉफिट कितना हो गया चार हजार का अगर सेलिंग प्राइस आठ हजार है तो चार हजार का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिया तो बिजनेस ने चार हजार का सामान बेचा और आठ हजार रुपये बताइए बिजनेस को कितना मिल जाएगा हैंड टू हैंड कैश में ट्रांजेक्शन हुआ तो आठ हजार रुपये बिजनेस को कैश मिल जाएगा कैश मिलेगा आठ हजार आठ हजार रुपये प्लस करिए यहाँ पे कैश में ठीक है आठ हज़ार रुपये यहाँ प्लस हो गया चार हजार रुपया माइनस हो गया और चार हजार का प्रॉफिट हुआ और हम आपको बताएं कि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल इसलिए चार हजार का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा और हम चार हजार रुपये प्रॉफिट में ऐड कर दिए ठीक है अगर इन केस आपको यहाँ पर बताते हैं कि इन केस अगर ये चार हजार रुपये का सामान मान लीजिए उधार में बेचा गया आठ हजार में ठीक है अब ये तो ट्रांजेक्शन आपका हो गया प्लस आठ हज़ार रुपये यहाँ थोड़ा ऊपर लिखते हैं आठ हज़ार पे ये है माइनस चार हज़ार तो देखिए आपका इधर भी चार हज़ार प्लस में और टू के उधर भी चार हज़ार प्लस में ये आपका कंप्लीट हो गया अब मान लीजिए कि उधार में बेचते हैं तो तब क्या करते हैं तो चार हजार का सामान निकल गया स्टॉक तो चार हजार माइनस करते ही करते हैं प्रॉफिट आपका आठ हज़ार में बेचें तो चार हजार का प्रॉफिट उसको भी कैपिटल में ऐड करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं आठ हज़ार रुपया है आपका वो बिजनेस को मिलना बाकी है तो डेटर बढ़ता आपका आठ हज़ार रुपया से क्लियर है चलिए एक बार इसको हम करके कर देखते हैं पहले अगर उधार में पीछे रहते हैं तो स्टॉक माइनस चार हज़ार से ठीक है प्रॉफिट तो ऐड होगा आपका चार हजार रुपया और डेटर यहाँ पर कितना से इंक्रीज करता डेटर यहाँ पर इंक्रीज़ करता कितना से यहाँ लिखते हैं डेटर देखिए डेटर्स कितना पैसा रिसीव होता है अगर उधार में था तो आठ हज़ार रुपये ठीक अच्छा चार हज़ार जो है यहाँ से माइनस करते हैं स्टॉक से डेटर आठ हज़ार होता कैश तो आता नहीं इसीलिए इसको ये कर देते हैं और प्रॉफिट आपका चार हज़ार रुपये ऐड करते हैं क्योंकि आप जो भी बना रहे हैं एक्टिव सिस्टम से चलते हैं मिला हो या ना मिला हो आपको उसको ऐड करना है कैपिटल में अपना इनकम मानते हुए तो इसीलिए चार हज़ार रुपये हम ऐड करते हैं अगर उधार में बेचा गया होता तो स्टॉक चार हज़ार से निकल गया पैसा मिला नहीं है तो डेटर से आठ हज़ार रुपये मिलेगा इसलिए डेटर में ऐड कर दिया हम आठ हज़ार रुपये और वहाँ पर कैपिटल में जो प्रॉफ़िट हुआ ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे ठीक है इन केस अगर चार हज़ार रुपया मान ली कि हाफ द पेमेंट बोलता है रिसीव हुआ चार हज़ार रुपये पे पेमेंट रिसीव हुआ और चार हज़ार रुपये अभी भी उधार में है तो चार हज़ार बिजनेस को रिसीव हुआ तो प्लस कर देते यहाँ पर चार हज़ार रुपया और यहाँ पर जो डेटर होता वो चार हज़ार से बनता ठीक है तो जैसे भी करो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे ये आएगा और आपका सॉल्व हो ही जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो फिलहाल क्या है फिलहाल क्या है बताइए चार हजार यहाँ पे माइनस करेंगे स्टॉक में आठ हजार पे आ गया है और प्रॉफिट में तो चार हजार ऐड होगा ही ठीक है तो ये आपका ट्रांजेक्शन बन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ये सारे चीज़ों को एक साथ सोचोगे तब आपका दिमाग में ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन कितना हो गया आठ चार बारह हज़ार रुपये बारह हज़ार सात सौ रुपये प्लस तीन सौ रुपये प्लस थ्री थाउजेंड का स्टॉक इज इक्वल टू प्लस क्रेडिटर को अभी पेमेंट नहीं किया गया है और आपका कैपिटल जो है वो चौदह हज़ार रुपये का हो गया है यहाँ पे प्लस कर देंगे फिफ्थ नंबर क्या कहता है देखते हैं पेड वेजेस इन कैश फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं फोर थाउजेंड नहीं है फोर हंड्रेड फाइव फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ है और आउटस्टैंडिंग जो है वो है आपका आ, ठीक है आउटस्टैंडिंग है आपका हंड्रेड रुपीज़ तो क्या करेंगे आप आपका इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा तो वेजेस पे करना है वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है अब चलिए इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं वेजेस क्या है वेजेस हो सैलरी हो रेंट हो ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो फिलहाल यहां पर वेजेस दिया गया है और वेजेस जो है किसे कहते हैं वेजेस ये समझिएगा वेजेस जो मैन्युअली काम करता है जो दिमाग से काम करता है जिसका फिजिकल वर्क कम है जो दिमाग से काम करता है उनको सैलरी मिलता है जो मैनुअली काम करते हैं उसको जनरली वेजेस मिलता है जिसको हम मजदूरी करते हैं अब कहता है कि वेजेस जो है चार हज़ार सॉरी चार सौ पचास रुपये और सौ रुपये आउटस्टैंडिंग है यानी टोटल वेजेस जो देना था वो पाँच सौ देना था ठीक है जो मजदूरी देना था जो वेजेस देना था वो पाँच सौ देना था जिसमें से चार सौ पचास रुपये है ना चारौ पचास रुपये वजस दे दिया गया यानी बिजनेस का एक्सपेंस हो गया और इस पाँच सौ में से सौ रुपया दे देना था वेजेस यानी जो मजदूर है वो काम कर लिया था लेकिन हमको देना था पाँच पाँच सौ पचास रुपये अमाउंट छोटा इसलिए बार बार गड़बड़ आता है पाँच सौ पचास रुपये जो है आपका वेजेस जो है देना था चार सौ पचास रुपये दे दिया गया सौ रुपये अभी भी बकाया है यानी मजदूर ने अपना काम कर लिया है लेकिन वो अभी लेने के लिए बैठा हुआ है हमने अभी तक उसको दिया हमने मतलब बिजनेस ने अभी उसको दिया नहीं है वो आउटस्टैंडिंग है तो देना तो है ना accrual सिस्टम याद करो दिए हो या ना दिए हो उसको अपना एक्सपेंस मानना है और हम कोई भी अकाउंटिंग जो करने बैठे हैं वो accrual सिस्टम से ही करेंगे क्योंकि अगर कैश सिस्टम से हम अकाउंटिंग करने के लिए बैठ गए तो कभी भी हम अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं पा सकते हैं इसलिए हमको एक्रूवल सिस्टम से ही चलना होगा दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानना ही होगा ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं आपका चार सौ पचास पे पेड है और आउटस्टैंडिंग ओ अब्लिक एस कितना है हंड्रेड रुपीज आप देखिए क्या ट्रीटमेंट होगा यहां पर आप ट्रांजेक्शन लिख लोगे बिजनेस ने पांच सौ पचास रुपया में से कैश कितना दे दिया चार रुपए तो कैश माइनस हो जाएगा चार रुपये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए कैश जितना गया बिजनेस से उतना माइनस कर दिया इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीपेड रेंट पे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक पे और डेटर तो सर यहाँ है ही नहीं अभी फिलहाल अब क्रेडिटर तो 2000 का है क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब एक आउटसाइड लाइब्रेटी और बढ़ जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने से बढ़ेगा सौ रुपये से क्योंकि आपका देखो चार सौ पचास रुपये तो दे ही दिया है बिज़नेस ने ठीक है और ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है चार सौ पचास रुपया शुरू से समझते हैं चार सौ पचास रुपये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये पैसा दे दिया गया है तो चार सौ पचास रुपये कैश से माइनस होगा क्योंकि पैसा दे दिया गया है और एक्सपेंस से कैपिटल भी घटता है इसीलिए चार सौ पचास रुपया कैपिटल से भी हम माइनस करेंगे इतना बात क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं अब आते हैं इस सौ रुपए पर अब आते हैं इस सौ रुपए पर चार सौ पचास रुपया एक्सपेंस हुआ दे दिए यहां से माइनस कैपिटल से माइनस ठीक है अब इस सौ रुपए को अभी देना बाकी है तो बिजनेस के ऊपर एक लाइब्रेरी बन रहा है सौ रुपए का और कैसा लाइब्रेरी है तो आउटसाइड लाइब्रेरीज है मजदूर जो है वो काम जो कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से उनको पेमेंट करना ही है तो ये कोई इंटरनल लाइब्रेरी नहीं है ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी में आपका आ जाएगा कि जो मजदूर हैं जो आया है मजदूर काम करने के लिए उसको देना ही देना है यहाँ पर तो यहाँ पर आप आउटसाइड लाइब्रेरीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग यहाँ पर लिख दो तो वेजेस ये एक आउटसाइड लाइब्रेरीज क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पे प्लस कर दो सौ रुपया ठीक है लाइब्रेटी क्रिएट हो गया ना देना है अभी मजदूर को वो काम कर लिया है लेकिन अभी तक दिए नहीं है देना है तो लाइब्रेरी क्रिएट हो गया सौ रुपये का सौ रुपये यहाँ पर हम प्लस कर दिए अच्छा दिए हो या नहीं दिए हों इससे कोई मतलब नहीं है उससे आप देखो सौ रुपये दिया हो या ना दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है एक्ट्र सिस्टम कहता है कि आप इसको रिकॉर्ड करिए आपको आप, आप जो है कोई भी ऐसा जो आउटस्टैंडिंग है उसको अपना एक्सपेंस मानना है और इसको रिकॉर्ड करना है तो दिए नहीं है तो लाइब्रेटरी भी क्रिएट कर रहा है लेकिन एक तरफ ये एक्सपेंस भी है और इसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है इसलिए तो कैपिटल में से भी हम सौ माइनस कर देंगे माइनस क्यों करेंगे दिए हों या नहीं दिए हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम एक्रूवल सिस्टम से चलते हैं और एक्रूव सिस्टम ये कहता है कि आपको ये एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो लाइब्रेटरी भी क्रिएट कर रहा है और कैपिटल को भी माइनस करेगा एक्सपेंस होने की वजह से ठीक है तो आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग इज सौ रुपये प्लस और कैपिटल को भी माइनस करेगा तो टोटल एक्सपेंस कितना है बताइए तो बिजनेस का पाँच सौ और टोटल एक्सपेंस बिजनेस का पाँच सौ ही तो हम यहां पे माइनस किए हैं तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख दें पाँच सौ लिख सकते हैं तो माइनस कर देंगे फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज कलियर है बात अच्छा ये इसका कहानी हुआ अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को क्या क्या हुआ न्यू क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन ठीक है तो बारह हजार सात सौ रुपया अभी आपका बिजनेस में कैश है कितना है बारह हजार सात सौ रुपया बिजनेस में कैश है और कितना माइनस हो जाएगा चार सौ पचास रुपये तो बारह हजार दो सौ पचास रुपये कैश बचेगा बारह हजार दो सौ पचास रुपये कैश तीन सौ रुपये का ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस तीन हजार रुपये का स्टॉक ठीक है और ये हो जाएगा आपका प्लस दो हज़ार रुपये का प्लस सौ रुपये का ये बढ़ गया आपका आउटसाइड लाइबिस और ये हो गया तेरह हजार चार सौ पचास रुपये है ना तेरह हज़ार चार सौ पचास रुपये का कैपिटल हो गया चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं फटाफट लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स मोटर कार परचेस किया है लेकिन पर्सनल यूज के लिए मोटर कार परचेस किया गया है लेकिन किसके लिए परचेस किया गया है पर्सनल यूज के लिए अपने प्राइवेट यूज के लिए जो है परचेज यहाँ पर किया गया है तो ड्राइंग्स हो गया और जानते हो मोटर कार परचेज किया तो तीन हजार रुपये बिजनेस से निकाला गया कैश कम हो जाएगा और अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल को भी घटाएगा ड्राॅइंग से अपने ही बिजनेसमैन अपने ही पैसे को निकाल करके मोटरसाइकिल खरीद लिया या मोटर कार जो भी आपका यहाँ पे मोटरसाइकिल खरीद लिया तो तीन हजार रुपये बिजनेस से निकाल दिया अब तीन हजार में बोले कौन सा मोटरसाइकिल आता है तो हम बोलेंगे दस हजार में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है खैर बात ये नहीं है मोटरसाइकिल हो सकता है पचास हज़ार का या एक लाख का खरीदना होगा जिसमें से तीन हज़ार बिजनेस से निकाला तो वो क्या हो गया माइनस हो गया तीन हज़ार रुपये कैश और कैपिटल भी माइनस हो जाएगा तीन हज़ार से बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस पे स्टॉक पर और आपका आउटसाइड डायबिटीज़ दोनों पर दोनों आउटसाइड डायबिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन लिख लोगे और हम लिखेंगे अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या बनता है फाइनल इक्वेशन ठीक है ये हो जाएगा नौ हज़ार दो सौ पचास तीन सौ तीन हजार इज इक्वल टू दो हज़ार सौ रुपया और ये हो जाएगा प्लस में दस हज़ार चार सौ पचास रुपया ठीक है ये आपका फाइनली बन करके आएगा अब आप चाहो तो इससे एक बैलेंस शीट भी बना लेना ये आपकी मर्जी ऐसे हम लोगों ने बहुत सारा बैलेंस शीट बनाया भी है तो आप चाहो तो इससे एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना ठीक है तो ये हो गया आपका अब दोनों साइड देखोगे तो बारह रुपए आएगा आपका इसका एक बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर लोगे अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे थैंक यू